Hey, welcome back to Alliance IAS Academy. Now this video is presenting by me, Govind Negi Shom. I am the Faculty of Economics at Alliance IAS Academy. This is my profile, you can watch out. So, कुछ sectors of economy के अंदर हम industrial policies, manufacturing policies, IT policies हम खत्म कर चुके हैं. यहाँ से आगे हम continue करने वाले हैं. MSME भी हम although कि कुछ topics हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं. अभी हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर, राइट. इससे पहले हम देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों से पूछे थे, राइट, उससे रिलेटेड. तो चलो कंटिन्यू करते हैं. ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. देखो, ऑर्गेनाइज जैसे खुद से ही आपको ये समझ में आ रही होगी, ऑर्गेनाइज वर्ड अपने आप में अपने आप को एलैबोरेट कर रहा है, राइट. ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर आपको किस कुछ लिमिटेड तरीके के आपको फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, राइट. आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाती हैं, सच लाइक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको दिया जाता है, EPF आपका आपको दिया जाता है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स आपको दिया जाता है, ग्रेजुएटी बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, राइट. इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, राइट. सो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर जनरली प्रोनाउंस करते हैं. सॉरी. ओके, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर को जनरली समझे तो जो फैक्ट्री एक्ट के अंडर आता है उसको हम जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं. सिर्फ फैक्ट्री एक्ट नहीं, आगे मैं आपको और भी समझाऊंगा. जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है या फिर फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर उसमें रजिस्टर्ड हुआ था, या फिर कुछ भी ऐसे यूनिट्स जो रजिस्टर्ड हुए हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर बाद में, राइट. ऐसे सारे के सारे यूनिट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर आएंगे, ठीक है. अच्छा, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये फैक्ट्री एक्ट 1948 था क्या, इसको आप समझो थोड़ा सा. मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये हेल्प कर सकती है. सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1948, इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है, अगर आपने कोई रूम ले रखा है, राइट, और उस रूम के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आप करते हो, राइट, और उस रूम के अंदर आप मोर देन 10 वर्कर्स अगर आपने हायर करके रखे हैं अपने उस काम के लिए, 10 से ज़्यादा वर्कर अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आओगे, राइट. आप एक MSME हो और आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काउंट किए जाओगे, ठीक है. अगर तो फिर से इसको रिपीट करना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका है, राइट, और आपके पास 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाओगे, राइट. इसके अलावा जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी कुछ चीज़ चलते हैं. जैसे अगर आप कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे शॉप एंड कमर्स कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947, इसके अंदर भी कुछ कुछ कंपनीज अगर इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो भी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कहलाएंगी. इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, अगर इसके अंडर भी आप रजिस्टर्ड होंगे तब यस आप फिर से ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएंगे. इसके अलावा और भी हो सकती है, जैसे प्लांटेशन एंड लेबर एक्ट 1951, उसके अलावा जितने भी PSUs होते हैं या फिर कोऑपरेटिव्स होते हैं उनके अंदर अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो यस आप ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहलाओगे, राइट. सो यहाँ पर बात निकल के आती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में डिफरेंस क्या है, या फिर उनका पार्टीशन कितना कितना है, कितना टोटल सेक्टर में कौन सा कितने परसेंट ऑर्गेनाइज है और कितना कितना परसेंट अनऑर्गेनाइज है. सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हार्डली 17% जितनी भी इंडस्ट्री आती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आती है, और मेनली 83% जितनी इंडस्ट्रीज होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आती है. सो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है, तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे हम कर सकते हैं. तो देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो अगर मैं क्लियरली या फिर बहुत इजी टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्कुल इनवर्स होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के. तो बोलने का मतलब क्या है,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपको किसी भी तरीका के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जैसे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देखने के लिए मिलते हैं, राइट? बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं किसी भी प्रकार के लॉ के अंडर. एम्प्लॉयमेंट एक्ट को अगर देखे, किसी भी प्रकार के लॉ के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस है आपको वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे नहीं. अगर वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे तो आप उनके उनके बनस्पत कहीं पर पीछे दिखाई देंगे, राइट? तो जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्कुल इन्वर्स होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, तो ये टर्म हम जनरली यूज करते हैं याद रखने के लिए, राइट? सो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? देखो, इसका एक एक्चुअल डेफिनेशन हम दे नहीं सकते हैं बिकॉज इसका एक एक्चुअल डेफिनेशन वो वेरी करता है, राइट? बट जनरली समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही है, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी प्रकार की आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर होंगे. अगर आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर होंगे. बट अगर हम क्लियर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो वेरी करती है बिकॉज CSO अपना एक अलग डेफिनेशन देती है, NSSO अलग डेफिनेशन देती है, ASOI ये अपना एक अलग डेफिनेशन देती है. जनरली हम इन सबको एक एक डेफिनेशन के अंदर तो नहीं रख सकते हैं, बट अगर इसका क्रस्ट देखा जाए, अगर इसका निचोड़ देखा जाए, तो फाइनली हमको ये समझ में आता है इफ यू गेटिंग दैट फैसिलिटीज तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे आते हैं, अगर अगर यू डिडेंट तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं. बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है. अगर अगर बात करें कि इसका कोई क्लियर क्लियर कॉन्सेंसेंस होता है क्या कि नहीं, तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो. आपको कैसे याद रखना है इसको? नो सोशल सिक्योरिटी सो अनऑर्गेनाइज. अगर कोई भी सोशल सिक्योरिटीज नहीं है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर डील किया जाएगा. आई एम श्योर इससे आपको समझ में आ गया. इससे पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया, पहले हमने ये भी देख लिया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर आपको सोशल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, EPF मिल जाते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ग्रेजुटी मिल जाता है, बोनस मिल जाता है, जनरली ये सारी चीज़ें आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देखने के लिए नहीं मिलती है, राइट? और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है, तो हमने देख लिया कि जहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं और मोर देन 10 वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे होते हैं तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स बोलते हैं. इसके अलावा भी और जैसे शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947, जनरली इनके अंदर अगर आप आ रहे हो तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होंगे. इसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर आपको ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है. यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है, क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं करती यार? गवर्नमेंट को क्या ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है कि यहाँ पर 17% एक तरफ और लगभग 83% एक तरफ है, राइट? इतना बड़ा जो वर्कर्स का रेशियो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर नहीं आता. ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही नहीं बल्कि इन लोगों को इस टाइप की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, राइट? इसका क्या आंसर है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या गवर्नमेंट इनका किसी भी प्रकार का टेक केयर नहीं करता है? ठीक है, अगर क्लियरली ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर मिल जाता है या फिर ऐसा कुछ लाइन आपको कहीं पर मिल जाती है, आंसर है नो. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इनका टेक केयर नहीं करती है, राइट? गवर्नमेंट टेक केयर करती है, अपने अलग तरीके से कुछ स्कीम चलाती है, पॉलिसीज चलाती है जहाँ पर इनके लिए कुछ स्कीम्स निकाली जाती है, ठीक है? टू प्रोटेक्ट सच वर्कर्स गवर्नमेंट लॉ पास करती है, और गवर्नमेंट ने 2008 के अंदर कुछ लॉ पास किए थे, राइट? गवर्नमेंट 2008 के अंदर गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था. लॉ का नाम था अनऑर्गेनाइज वर्कर सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, राइट? इस एक्ट के अंदर जनरली गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि उनको भी किसी कुछ प्रकार की बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए, राइट? अगर इसको देखा जाए तो ये जो एक्ट है ये लगभग अंडर अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन यूनियन गवर्नमेंट दोनों के अंदर वर्क करता है. इस एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने दोनों ने आपस में कोलैबोरेट करा और डिसाइड किया कि हम सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एक बनाएंगे, राइट? अब सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कैसे काम करेगा उसे मैं आपको समझाता हूँ. बट ये जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा इसको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों ही लेवल में एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट?
साइमेंटेनियसली हमने अपने बजट के अंदर भी कुछ स्कीम्स को अनाउंस होते हुए देखा, जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर आपको पेंशन, ईपीएफ, राइट, सोशल सिक्योरिटी, इस तरीके की बातें करी गई कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे की जाएगी, राइट. सो यहाँ पर मैं इसको और ज़्यादा इलेबरेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमने इसको आगे जाके एचआरडी लेक्चर्स के अंदर भी देखना है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट लेक्चर्स के अंदर भी हम इसको देखेंगे. तो यहाँ पर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसके लिए अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठाती है या फिर नहीं उठाती है, बिकॉज इसका क्लियर क्लासिफिकेशन देखो तो वो सारी फैसिलिटीज मिलना तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर नहीं मिलेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो दैट मीन कि इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो ऐसा क्लियरली नहीं बोला जा सकता. बिकॉज हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट आपस में कोलेबरेट करके सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाती है, राइट. और उसको एग्जीक्यूट किया गया यूनियन सेंट्रली, और स्टेट ने अपने हिसाब से उसको अप्लाई करा, राइट. साइमेंटेनियसली हमने ये भी देखा कि स्कीम्स के अंदर, बजट के अंदर भी ऐसे स्कीम अनाउंस किए गए जहाँ पर इन वर्कर्स को पेंशन, ईपीएफ, राइट, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आई एम श्योर कि आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों समझ में आ चुके हैं. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत इजी टॉपिक सही है. सो आगे कंटिन्यू करते हैं एमएसएमई, राइट. कॉटेज इंडस्ट्री आपको समझ में आ गई, विलेज इंडस्ट्री भी समझ चुके हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी हम समझ चुके हैं. नेक्स्ट हम एमएसएमई को देखते हैं. अगर एमएसएमई का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आप एक चीज़ ये समझ जाओ कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू द बिजनेस, बिजनेस के अंदर द प्लांट दे आर यूजिंग, द मशीनरी दे आर यूजिंग, राइट. सो कितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो प्लांट्स के अंदर भी देखा जाएगा, मशीनरी के अंदर भी देखा जाएगा. अगर उसका दोनों का मिला के देखे जाएगी तो वो टोटल उस बिजनेस के अंदर कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट. इस हिसाब से हम एमएसएमई को क्लासिफाइड करते हैं, राइट. सो फिर से मैं बता देता हूँ, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन होता है कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आपने अपने बिजनेस के अंदर किया है. सो वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से देखी जाएगी, आपके बिजनेस के अंदर प्लांट मशीनरी, इसके अंदर आपने कितना पैसा खर्च किया है, आपका टोटल कैपिटल कितना है, उस हिसाब से एमएसएमई में क्लासिफिकेशन दी जाती है. अभी के कुछ क्लासिफिकेशन आपके स्क्रीन के आगे फ्लैश हो रहे हैं, आप आराम से देख सकते हो. अप टू 25 लाख, अगर आपके बिजनेस में आपने इतना इन्वेस्ट करके रखा है, अप टू 25 लाख आपने इन्वेस्ट करके रखा है अपने बिजनेस के अंदर, इसका क्लियर मतलब है कि आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हो, एंटरप्राइजेस के लिस्ट के अंदर आओगे, राइट. इसके अलावा अगर आपने 5 करोड़ से लेकर बट 10 करोड़ के अंडर का इन्वेस्टमेंट करा है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 और अप टू 10, राइट, 10 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो आप मिड के अंदर वहाँ पर आते हो, राइट. सो आप मिड के अंदर आओगे. अगर आपने 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है तो आप एक स्मॉल इंडस्ट्री कहलाओगे. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देखो, अगर आपका अप टू 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स कि आप माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाओगे. अगर 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है अपने बिजनेस में, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, किसी भी तरीके से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर आओगे. अगर वहीं से आगे अगर आपने 5 करोड़ से, 5 करोड़ से ज़्यादा बट 10 करोड़ से कम या फिर अप टू 10 करोड़ अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके रखी है, इतनी की मशीनरीज आपने अपने बिजनेस के अंदर रखी है, तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाओगे, राइट. तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना आप. तो ये सारे के सारे नॉम जो क्लासिफाइड हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो ऊपर हेड टॉप में मैंने लिखा है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है. बट अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं होती है, राइट. कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो सर्विसेज प्रोड्यूस भी करती है, राइट. तो इसके लिए अलग से क्लासिफिकेशन होते हैं, वो हम देखते हैं, राइट. अगर हम देखें कि सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के लिए हम किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं चीज़ें, तो ये बहुत क्लियर है. अप टू 10 लाख
अगर 10 लाख तक आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, राइट। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो प्लांट्स के अंदर, मशीनरी के अंदर, किसी भी तरीके से आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप कहलाओगे एक स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट। अगर आपने 2 करोड़ से ज़्यादा बट लगभग 5 करोड़ के आसपास या फिर 5 करोड़ तक इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप एक मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाओगे, राइट। तो ये क्लियर, आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो इनके बीच में क्लासिफिकेशंस कैसे होती है, राइट। तो किस तरीके से क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, राइट। सो अगर मैं बता रहा हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया कि हम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, तो ये समझ समझो कि हम ये क्लासिफिकेशन आखिर कर क्यों रहे हैं। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमारे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट। जैसे जनरली यहाँ पर क्लासिफिकेशन है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इस तरीके की जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है जी जो माइक्रो है और जो स्मॉल है, सो हम उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे जनरली अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसमें हम उनको रिजर्वेशन देंगे, या फिर हम उसको सब्सिडी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, या फिर लोन प्रोवाइड शुरू करना शुरू कर देंगे। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है, तो हम ये क्लासिफिकेशन करते क्यों है, राइट। अगर हम पर्टिकुलरली सब्सिडी ही देखें, ठीक है, अगर हम इनको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, ऐसे हर जगह में क्लासिफिकेशन करेंगे, इनको सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो आप देखो कि अपने देश का फिजिकल डेफिसिट और ज़्यादा बूम होगा, राइट। ये भी हम मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप इंटर रिलेट कर सकते हो, राइट। अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, तो आगे इन्फ्लेशन के पॉइंट आप आगे जोड़ सकते हो। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आम जनता फिर गोल्ड में जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी। अगर गोल्ड में जाके इन्वेस्ट करेगी, तो वापस से वो चैनल बहुत से वेसियस साइकिल फिर घूमना शुरू हो जाती है। वहाँ से लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ से फिर वो हवाला में पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र, वो सारे लिंक्स आप आपस में यहाँ से आगे जोड़ सकते हो। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हम अपने हाथों में लेते क्यों है, राइट। क्यों हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, एंटरप्राइजेस को खुले में क्यों नहीं छोड़ देते, जो जितना भी इन्वेस्ट करता है वो अपने हिसाब से एक ही चैनल बनाया जाए, एक ही पैरामीटर बनाया जाए सभी टाइप के बिजनेस के लिए, राइट। किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से हम क्लासिफाइड नहीं करें, तो ऐसा हम जनरली क्यों नहीं करते हैं, राइट। इसको हम आगे समझते हैं, राइट। देखो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कॉटेज विलेज इंडस्ट्री हमने ख़त्म कर दिया, ऑर्गेनाइज हमने ख़त्म किया, एमएसएमई ख़त्म कर दिया, राइट। सो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसको आगे आपको समझ में आ जाएगी कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, राइट। सो एमएसएमई और एसएसआई, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एमएसएमई के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम इसको ऐसे क्लासिफाइड करते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, ताकि हमको सब्सिडी भी देना पड़े, ये सारे चीज़ कैसे इंटर रिलेट करता है, ठीक है। तो आगे समझेंगे एसएसआई। देखो ये जो इन्वेस्टमेंट है एसएसआई, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, यहाँ पर लमसम जो भी इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट्स और मशीनरी के अंदर, वो 1 करोड़ के आसपास होता है, ठीक है। 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 1 करोड़ के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज आएगी, जो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज थी वो भी लगभग इसके अंदर आती है, राइट। सो लमसम जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ के आसपास होता है। सो जनरली इसके अंदर किस टाइप की इंडस्ट्रीज आती है, सो ये जो नॉर्म होता है, ये इन्वेस्टमेंट नॉर्म होता है, ये वेरी करता है, राइट। ये हर जगह फॉलो नहीं होगा कि 1 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट जनरल जनरल जो टर्म यूज़ किया जाता है कि हाँ एसएसआई के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए 1 करोड़ तक का होता है, बट ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी वेरी कर सकती है, जैसा इनका डेफिनेशन वेरी कर रहा था, राइट। तो टेक्सटाइल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट होता है, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट के लिए अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, वैसे ही फार्मा कंपनीज को देखेंगे तो एक अलग तरीके का प्लानिंग्स होती है, राइट। बट जनरल टर्म्स में समझने के लिए जो यूज़ किया जाता है कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो उसका उसका जो ज्यूरिडिक्शन होगा इन्वेस्टमेंट का, वो 1 करोड़ के आसपास तक ही होगा, ठीक है। बट ये जो सारे के सारे टेक्सटाइल, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, फार्मा कंपनीज, ये सारे के सारे आएंगे एसएसआई के अंदर ही, राइट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ही ये सारी चीज़ें आते हैं, राइट। बट यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, राइट।
सो ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों होता है, इसको भी आगे समझते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे यन चार्ट पे आप देख पा रहे होगे, जैसे अगर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करना चाहती होगी तो इसी चार्ट में से ही कुछ प्रोडक्शन कर सकती है, जैसे पिकल करेगी, ठीक है, चटनीज करेगी, ठीक है, और भी इस तरीके की कुछ भी, जैसे ऑयल्स हो गए, ठीक है, लॉन्ड्री सोप्स हो गए, अगरबत्तीज हो गए, फायरवुड्स हो गए, फर्नीचर, राइट, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट में ही ये सारी इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी कंपनी को आने की इजाज़त नहीं होती है, लाइक टाटा बिरला ये सारे आके यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि वो कंपनी आ ही नहीं सकती है, अगर उन कंपनीज को आना होगा और इस पे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उनको एक अलग फंड बनाना पड़ेगा, एक अलग फंड के अंदर पैसे इन्फ्यूज़ करने पड़ेंगे और एक अलग तरीके से उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट इनके ऊपर एक और रिस्ट्रिक्शन साथ में लगाया जाता है, अगर कोई भी बड़ी कंपनी ये सारे रेगुलेशन को फुलफिल करके लाइसेंस हासिल कर भी लेती है तो भी वो सिर्फ 50% यूनिट ही अपने देश के अंदर बेच पाएगी, राइट, बाकी का 50% यूनिट जो प्रोड्यूस करेगी उसको वो आगे जाके एक्सपोर्ट करना पड़ जाता है, राइट। सो इसके इसके वजह से जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस होती है उनको हेल्प हो जाता है कि बड़ा प्लेयर अगर आपके आपके बिजनेस में हाथ जमा रहा है तो ऑफकोर्स तो उनका ज़्यादा चलेगा और आपका कम चलेगा, राइट। बट यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो सारी बातें मैं आपको कर रहा हूँ ये SEZ के ऊपर लागू नहीं होती है, राइट। सो ये SEZ क्या है, इसके अंदर लागू नहीं होती है। जनरली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं यहाँ, इसके अंदर जितने भी हम प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर आपको 100% एक्सपोर्ट के लिए ही करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए ये इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आएगा, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सो आप देखो कि इस तरीके की लिमिटेशन इस बड़ी कंपनीज के ऊपर क्यों लगाया जाता है कि ये 50% आपने एक्सपोर्ट करना है या फिर इस यहाँ पर आप आ नहीं सकते। तो जनरली देखो अगर ये बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में अगर अपना हाथ जमाना शुरू करते हैं तो देखो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, मशीनरी बहुत ज़्यादा होगी, जनरली उनकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी होगी, राइट। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है वो उनके उनका सामना जनरली नहीं कर पाएंगे। सो उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो बहुत कम होगा, जैसे जनरल छोटी 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 मोटी कंपनीज होंगे उनको उनके साथ कंपेयर करेंगे तो लगभग उनकी आधी कीमत से भी कम कीमत में ये सामान को बेचना शुरू कर देते हैं, राइट। तो जिसके वजह से क्या होगा, अपने देश के अंदर ये स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेस वो कभी भी बड़े हो नहीं पाएंगे, राइट। स्मॉल स्केल जितनी भी बिजनेस होते हैं वो वहीं पर कोलैप्स हो जाएंगे, बिकॉज वो इस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे तो कर नहीं सकती, उनका तो सारा का सारा प्रॉफिट वहीं से निकलना है, राइट। इसीलिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन बड़े प्लेयर्स को कि इस छोटे छोटे मार्केट में जाके आप बिजनेस नहीं कर सकते, करना है तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, जैसे कि 50% एक्सपोर्टिंग का रिस्ट्रिक्शन आपके इनके ऊपर लग रहा था, वो सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं ताकि यहाँ के जो छोटे प्लेयर है वो सिक्योर रहे, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, राइट। आई एम श्योर कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया, आपने यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है और हम बार बार इसके बारे में क्यों बात करते हैं, राइट। सो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, राइट। सो जनरली हम किस किस फील्ड में हम इसको यूज़ करते हैं इसको अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, राइट। सो आगे भी जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो MSME के अंदर रहेंगे, कुछ अदर फैक्ट्स को लेके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल।